और मैं अलवर जिले में युवा जागृति संस्थान से हूँ और बेसिकली मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस सेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी आप लोगों के साथ में इस सेशन को हम प्लान करके और आप लोगों तक लेके आए। और विशेषकर जिस तरीके से प्रोग्राम का थीम है कि इस एफपीओ की जो बीओडी और जो सीओज हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आजकल अगर अपन देखें तो पहले सिंपल एक शब्द जो यहाँ सामने आपको दिख रहा है डिजिटल और साथ में जुड़ा हुआ है मार्केटिंग। हम पहले मार्केटिंग का जो तरीका था वो यूज में लेते थे, हर बड़ी कोई भी कंपनी होती थी तो एक मार्केटिंग के लिए एक बंदा हायर करती थी और वो लोगों के पास जाता था, इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में बताता था, तब जाके वो एक मार्केटिंग का अलग तरीके से उसकी बिक्री की जाती थी। लेकिन यहां हम शब्द यूज में लेंगे डिजिटल। डिजिटल का मतलब कि हम फिजिकल रूप से वहां अवेलेबल नहीं है लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर के ऊपर अपनी पहुंच स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ चर्चा करूंगा। देखिए बहुत से एफपीओ बहुत अच्छा काम करते हैं और लेकिन वो अपनी पहुंच को अपने गांव, कस्बे और एक शहर तक ही रख पाते हैं लेकिन वो आगे अपनी रीच नहीं बढ़ा पाते। कई बार वो सोचते हैं कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, कई बार वो सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन आज डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ये दोनों ताकतें बढ़ा दी हैं। थोड़ी सी समझ अगर हम इस चीज की रख लें क्योंकि आज स्मार्टफोन हम हर लोग यूज कर रहे हैं, बस उस स्मार्टफोन से थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनके और इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना है। वो किस तरीके से कर सकेंगे, हम सबसे सिंपल जो यूज करते हैं फेसबुक व्हाट्सअप सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। आप में से व्हाट्सअप तो सब लोग यूज करते होंगे, ऐसा कोई थोड़ी है जो व्हाट्सअप नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। कहीं हम सीखने के लिए नहीं गए लेकिन उसको हम बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें उसके लिए व्हाट्सएप का एक बिजनेस वर्जन आता है, उसे आपको अपलोड करना है, मतलब अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और उसको किस तरीके से यूज करोगे वो सेशन भी हम आप लोगों को यहां पर बताएंगे। इसके अलावा जो फेसबुक को आप काम में लेते हो, क्योंकि मैं ये वो टूल बता रहा हूं जो हम बेसिकली काम तो ले रहे हैं लेकिन उसको हम सिर्फ लोगों की पोस्ट देखने के लिए यूज कर रहे हैं। और अगर आपने अच्छे तरीके से अपने इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज किया तो यहां से भी आप आमदनी अर्जित कर सकते हो। बहुत से ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जैसे जब हम आए तो यहाँ पर आपको एक फार्मर थे या फिर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने आपको बताया भी कि किस प्रकार मल्चिंग वगैरह इस तरह की चीजों को यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना एक फेसबुक अकाउंट, एक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक व्हाट्सएप अकाउंट और साथ में आप अपना एक यूट्यूब अकाउंट, ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको आमदनी भी दे सकते हैं साथ में अपने बिजनेस को आप प्रमोट भी कर सकते हो। वो किस तरीके से प्रमोट करोगे जब आपको इसकी समझ होगी। तो मैं सबसे पहला शुरुआत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जस्ट मेरी ये जो स्लाइड आप लोगों को दिख रही है इसमें वही सारे प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको चर्चा की है, सबसे पहला दिखा रखा है इसमें YouTube। हम वीडियो देखते हैं और आजकल तो AI जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसके तहत बहुत से अनपढ़ लोग भी अगर अपने मोबाइल में बटन प्रेस करते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन पर वो कनेक्ट करता है और वही चीज ऑटोमेटिकली वो प्ले कर देता है। तो आप यूट्यूब के ऊपर अपने प्रोडक्ट को कैसे लेके आए, आप ट्विटर पे कैसे लेके जाए, आप फेसबुक पे कैसे लेके जाए, आप इंस्टा पे कैसे लेके आए, आप अपने बिजनेस को गूगल पे कैसे लेके आए। जैसे कि सर ने हमें बताया कि फला होटल में आज ट्रेनिंग है तो हमने क्या किया, गूगल में अपना वो लोकेशन पे गए मैप पे और एड्रेस लिखा और गूगल हमें यहां पर ले आया। तो पहली आपको अपना जो डिजिटल फुटप्रिंट बनाने की आवश्यकता है। आप अगर अपने बिजनेस को डिजिटल लेके आना चाह रहे हो तो पहली शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी। आपका जहां एफपीओ का ऑफिस है, जहां पर आप अपना ऑफिस, आप अपना ट्रेनिंग सेंटर जो भी आपने स्टेबल कर रखा है या कोई मार्ट आपने स्टेबल कर रखा है उसकी लोकेशन को आपको गूगल के ऊपर रजिस्टर्ड करना है। और गूगल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई बड़ा आपको रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, फेसबुक भी खूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, लेकिन कभी अगर
आपके एफपीओ पे आना हो तो फिर आपको बताना पड़ता है कि फला की दुकान से इस रोड से ऐसे घूम के क्यों आना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपको एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने गूगल अकाउंट से। गूगल अकाउंट का मतलब है कि जब हम डिजिटल दुनिया में एंट्री करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल जिस दिन खरीदते हो, जो भी स्मार्टफोन आपने पहली बार खरीदा होगा, तो आपने जब डिजिटल दुनिया में अपनी एंट्री पहली बार की होगी, जैसे आपने मोबाइल को ऑन किया तो आपसे एक चीज मांगा होगा उसने, और वो क्या है आपकी, बताओ क्या मांगा होगा आपसे, आईडी, ईमेल आईडी, ठीक है। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी उसमें आप एंट्री करते हैं, तो आपकी जो ईमेल आईडी पे इंफॉर्मेशन थी वो एक तरीके से आपने डिजिटल दुनिया में अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली। अब आपकी मेल आईडी से आपका मोबाइल कनेक्टेड हो गया और आपके मोबाइल के सारे कॉन्टेक्ट नंबर या जो भी इंफॉर्मेशन आपकी मेल पे थी वो आपके उस डिवाइस के ऊपर आ जाती है। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, गूगल में जब आप मेल आईडी ओपन करोगे, बेसिकली मैं इसमें वो चीज आपको लाइव करके भी बता देता हूं। देखो बेसिकली हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना, कि आप अपना गूगल पे अपना जो ऑफिस है, आपका एफपीओ है, उसको कैसे लेके आओ, क्योंकि आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी, लोगों को आपके अपने प्लेस पे बुलाना होगा, तो सबसे पहला काम यही करना होगा। आप में से जैसे मैं अपना मेल अकाउंट यहां ओपन कर रहा हूं, देखो यहां सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्राउजर को ओपन किया। ब्राउजर का मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम है उसको हम ब्राउजर कहते हैं। यहां मैंने इस गूगल क्रोम को ओपन किया है। जस्ट ओपन करने के बाद ये आप गूगल पे क्लिक करके यहां ओपन करोगे तो ये होम पेज आएगा, ठीक है। इस होम पेज पे आपको ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं, देखिए ध्यान से, ये डॉट डॉट बने हुए हैं, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस डॉट डॉट पे क्लिक करोगे तो देखो यहां पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको जीमेल का पता होगा, अक्सर आप यूज में करते हो, लेकिन आपको जो यहां पर हमें यूज करना है वो पार्ट क्या यूज करना है, गूगल मैप। देखो यहां पर आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन दिखाई देगा, अब ये रहा देखो, ठीक है, गूगल मैप के ऊपर आपको यहां क्लिक करना है, ठीक है। अब गूगल मैप पे क्लिक किया तो देखो मैं अब यहां से आपको अपने ऑफिस को दिखाना चाहूं कि कहां पर है, तो आपको सिर्फ मैं यहां एड्रेस लिख रहा हूं, देखो मैंने लिखा और ये सर्च करके यहां पर नाम आ गया। जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप यहां से दिखा रहा है, ठीक है। आप और हम पहली बार मिले हैं और मैंने आपको कहा, सर ने बताया कि भाई मेरे संस्थान का नाम युवा जागृति संस्थान है, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। और यहां पर देखो ये गूगल मैप के ऊपर ये इंडिकेट कर रहा है और इसी जगह पर हमारा लोकेशन इंडिकेट है। तो हमें शुरुआत करनी है डिजिटल मार्केटिंग की, ई कॉमर्स की, तो आपको अपने प्लेस को क्या करना होगा, यहां लाके रजिस्टर्ड करना होगा। और रजिस्टर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई और बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ अपनी ईमेल आईडी के थ्रू ही ये काम कर सकते हो। देखिए यहां मैं इसको साइन इन करूंगा, ये तो आप सर्च कर सकते थे कोई प्लेस को, लेकिन अगर आप इस प्लेस को यहां ऐड करना चाहोगे तो अपनी आईडी को क्या करना पड़ेगा, यहां ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहां ये अकाउंट सर का था, मैंने यूज अनोदर अकाउंट किया और अपना अकाउंट यहां लिखूंगा और जस्ट मैंने एंट्री किया, वो सेम आपका जो पासवर्ड होगा उसे आपको यहां लिखना है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जैसे नेक्स्ट जाएंगे तो ये एक चीज आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन भी रखना है, मोबाइल में प्रेस करना आप पीछे, देखो अपनी मेल आईडी पे टू स्टेप वेरिफिकेशन भी रखना आप, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि कोई आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा, जब तक अपन वहां परमिशन नहीं देंगे तब तक ये अकाउंट आगे नहीं बढ़ेगा। देखो एक दूसरा हमारा एक ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर है, ये अलग अलग हमारे ग्रुप है जिनको हमने अलग अलग मैप किया हुआ है। जस्ट आप यहां क्लिक करेंगे तो ये देखो आपको पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर जो बना हुआ है उसका लोकेशन यहां दिखा देगा। तो इसलिए आपको सबसे पहला अगर डिजिटल मार्केटिंग में या फिर आपको करना है तो पहला काम क्या करोगे, अपने प्लेस को गूगल के ऊपर क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। जब पहली बार अपने प्रोडक्ट को आप गूगल पे रजिस्टर्ड कर दोगे उससे, तो कोई भी व्यक्ति उस लोकेशन के थ्रू वहां पर जा सकता है। क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये पाथ अपने को यहां से बता देगा, आप यहां किसी को शेयर कर सकते हो, जैसे आप अगर हमारे वहां आओ या मैं आपके यहां आ रहा हूं तो
आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है और ये कॉपी करके और आपको सीधे उसके व्हाट्सएप पे भेज देना है, या उसको बता दो भाई नाम डालो और आप लोकेशन के अकॉर्डिंग आ जाओ। तो पहला काम क्या हुआ, हमें अपनी एफपीओ को या एफपीओ का जो भी कार्यालय है उसकी लोकेशन को आपको गूगल के ऊपर मैप के ऊपर रजिस्टर्ड करना है। अकाउंट जैसे ईमेल बनाओगे सेम अकाउंट बनेगा, आपकी लोकेशन को फेच करेगा और 7 दिन बाद गूगल आपको अप्रूव करके आपकी लोकेशन को जियो टैगिंग कर देगा। इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी आदमी आपके वहां पर जा सकता है। तो पहला काम क्या होगा ये। अब सेकंड नंबर पे पार्ट आता है कि जो आपने अपना अकाउंट बनाया है, जो कि मैं जस्ट अपनी इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, कि ये जो जस्ट जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने आपको कोशिश की है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो सेगमेंट है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां देखो जो चीज मैंने आपको बताया कि भाई ये जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कि आज के युग में जो हम ऑनलाइन चीजों को यूटिलाइज करते हैं, उन ऑनलाइन जैसे पहले मार्केट क्या होता था कि भाई हम फिजिकली सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सब्जी के ठेले वाला हमारे सामने है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में वो कहीं भी हो सकता है, बस शर्त है कि हम उसको इंटरनेट से सर्च करेंगे, उसे ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो मटेरियल हमारे पास पहुंच जाता है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। और ये जो पार्ट हो रहा है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट देखा, अमेजोन देखा, ये सारे के सारे जो उनके प्लेटफॉर्म हैं वो इसको यूटिलाइज करने का काम करते हैं। तो यहां मैंने कहा कि ये जो आज के युग में सब ऑनलाइन हो गया है, इंटरनेट से हमारे जीवन को बेहतर बनाया है और इसके माध्यम से कई सुविधाएं जो हम फोन के माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से आसानी से यूज में कर सकते हैं। अब बात आती है आगे कि जो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये पीपीटीज वगैरह मैं सर को दे दूंगा जो आप लोगों को शेयर भी कर देंगे, मैं सिर्फ आपको इसका मूल एजेंडा समझा पाऊंगा जिससे कि आप समय रहते इस चीज को समझ सको। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप अपना कोई भी डिजिटल टूल, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट या फिर आपका डेस्कटॉप, उसको यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को क्या कर सकते हो, लोगों तक डिलीवर कर सकते हो, इसलिए उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब अगला पार्ट आता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अभी कुछ बहुत छोटी छोटी स्तर पे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो स्वयं सहायता समूह से, जिन्होंने छोटा मोटा सिलाई का प्रशिक्षण लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी राजपूती पोशाक हुई या महिलाओं की ड्रेसेज उन्होंने सिलना आरंभ किया। कई लोगों ने क्या किया, अपने लॉकडाउन जब था तो यूट्यूब चैनल बनाया, उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उन्होंने वो जो सिले हुए कपड़े थे उन्हें खुद ने पहना या किसी अपनी समूह की महिला को, और उन्होंने उसकी डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो और रील बनाया, उन्होंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इस तरह से लोगों तक भेजा और नीचे अपने क्या लिख दिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए, अपना पेमेंट लेने के लिए उन्होंने अपना फोन पे गूगल पे नंबर लिख दिया। अब उन्होंने छोटी सी शुरुआत की किसके माध्यम से, अपने घर से, कोई स्मार्टफोन, कोई इस तरह का बड़ा कोई उन्होंने डिजिटल स्टूडियो सेटअप नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना एक थोड़ा सा तरीका बदला, लोगों ने धीरे धीरे उसको रिच किया और उन्होंने देखा उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी, जो शोरूम में चीजें 2-2, 3-3 हजार में मिलती थी वो 700-800 रुपए में मिलने लगी, लोग जुड़ने लगे और उससे बहुत बड़ा उनको रिवेन्यू जनरेट होने लगा। वो गांव में बैठी है लेकिन आज बड़े बड़े जो, जैसे अभी आपने से कहा कि इंडिया मार्ट से कुछ लोग सामान खरीदते हैं और उन्होंने फ्लिपकार्ट और बाकी चीजों पे बेच रहे हैं, अमेजोन पे बेच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जयपुर जैसे महानगर में लोगों ने अपने घर में इस काम को स्टार्ट किया है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज लाइफ में ही उन्होंने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया, वहां इंडिया मार्ट से माल जो डिमांड पे है उसको खरीदा, उन्हीं को प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे डाला, अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक शेयर कर दिया। देखो ना प्रोडक्शन किया, ना उन्होंने दुकान खरीदी, ना गोदाउन बनाया, ना उन्होंने कोई मैन पावर रखी, सिर्फ क्या किया, अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया, प्रोडक्ट परचेज किए हुए प्रोडक्ट को थोड़ा सा फोटोग्राफी अच्छी की, उसकी रील्स बढ़िया तरीके से बनाई, स्मार्ट तरीके से उसकी मार्केटिंग की और उसको अपलोड करके लोगों तक भेज दिया। अब उन्होंने घर बैठे एक तरफ से ऑर्डर आए और दूसरी तरफ से माल आया, कई जगह तो ऐसा भी करते हैं वो डायरेक्टली जो ऑर्डर आया है वो संबंधित आदमी को स्लिप भेज देते हैं
और वहां से वो डायरेक्टली ऑर्डर चला जाता है। लेकिन अगर आप इस काम को करो तो ऐसा मत करना, उससे क्या होता है कि आपके जो ग्राहक की जो लीड है वो किसके पास चला जाता है, अगर आपने फ्लिपकार्ट से कर लिया तो वो लोग क्या करते हैं उस डील को अगले टाइम में आपकी तरफ डाइवर्ट नहीं होने देते हैं। अगर कोई इस तरह का काम आप में से करना चाहे तो जो भी कस्टमर का डेटाबेस है, चाहे आपको दो पैसा कम बचे, लेकिन उसको आप क्या करना, अपने कस्टमर की तरह यूज करना। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे भेज सकते हो। जैसे सीकर में कोई एफपीओ अच्छा, सपोज करो विजिटेबल पे अच्छा काम कर रहा है, और दिल्ली में जैसे हम हल्दीराम की बात करें, रिलायंस मार्ट की बात करें, बड़े जो मार्ट होते हैं उनको डायरेक्टली फार्म से कोई प्रोडक्ट की आवश्यकता है तो नेट पे सर्च करेंगे उनके मार्केटिंग के लोग। अगर आपका एफपीओ के नाम से कोई ब्रांडिंग होगी और आपका प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन होगा तो वो सर्चिंग में कहां जाएगा, उन तक पहुंचेगा, और उन तक पहुंचेगा तो वो लोग आपसे डायरेक्टली टेलीफोनिक रिच कर पाएंगे। लेकिन वो कब होगा, जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपने एफपीओ की डिटेल्स को, जरूरी नहीं है कि हम अच्छे अंग्रेजी से उसको लिखें, उसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। कई जैसे आप में से महिलाएं हैं वो कहेंगी सर हमारे पास ऑपरेटर नहीं तो हम कैसे करें, तो आपको अपने मोबाइल में सिंपल कुछ नहीं करना, गूगल का एक मतलब लैंग्वेज टूल आता है उसको ऐप के रूप में डालना है मोबाइल में, आपको टिक करना है, जैसे जैसे आप बोलोगे अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग वो पूरा टेक्स्ट किसने, हिंदी में बोल रहे हो तो हिंदी में, और अंग्रेजी में आपने स्पीच किया है तो वो किसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, अंग्रेजी में आपका वो पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। उससे फायदा, आपने कहा कि भाई मेरा प्रोडक्ट, सपोज करो कोई गाजर की खेती कर रहा है, कोई मूंगफली उगा रहा है, कोई दाल उगा रहा है, या फिर आपका एफपीओ कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, या फिर आप इनपुट की कोई आपने शॉप की है तो आप उसमें प्रोडक्ट बना सकते हो, स्पेशली त्योहार के ऊपर कोई आप उनको डिस्काउंट दे सकते हो, तो इस तरह का पार्ट आप आसानी से कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है, डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर आप अपने गांव के प्रोडक्ट को वैश्विक लेवल पे आप अगर पहचान दिलाना चाहते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी ब्रांडिंग करनी होगी, उसको पब्लिसिटी करना होगा जिससे कि आसानी से वो लोगों तक पहुंच सके, लोग उसको जान पाए। अब देखिए आगे बता रहा है कि वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग की जो मांग है वो क्यों है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है जो मैंने फर्स्ट में आप लोगों को बता दिया कि लोगों के पास समय का अभाव है, लाइफ जो स्टाइल है वो थोड़ा बिजी ज्यादा हो गई, इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि दुकान पे जाके मतलब खरीदने के इससे बजाय वो लोग क्या चाहते हैं कि घर बैठे आसानी से वो सुविधाजनक तरीके से सामान हम तक पहुंच जाए, आने जाने का समय भी बचे, और जो गाड़ी से जा रहे हैं तो उसका फ्यूल वगैरह भी बचे, तो लोग क्या करते हैं ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं और वो माल अपने घर तक उसके ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू आ जाता है, तो इसलिए भी ये डिमांड काफी अच्छी इसमें बनी है। अब देखो ये मैंने यहां पर बताया कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रकार मैंने बताया सोशल मीडिया, जो कि हम हमारी पहुंच से आसान है। आप कहोगे कि हम सोशल मार्केटिंग से कैसे कर सकते हैं, देखो फेसबुक पे एक अकाउंट बनता है, एक तो अपन फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम 5000 से ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप अपने अकाउंट से क्या क्रिएट करो, पेज क्रिएट करो, जिसको हम क्या बोलेंगे फेसबुक पेज, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर दो, प्रोडक्ट की फोटो अपने मोबाइल से जब खींच रहे हो तो दो तीन चीजों का ध्यान रखो, पहला कि जो पीछे का सरफेस हो वो थोड़ा क्लीन हो, प्रोडक्ट को जब आप फोटो खींच रहे हो तो वो नीट एंड क्लीन तरीके से दिखे, और दूसरा चाहे छोटे हिंदी में लिख दो लेकिन साफ सुथरे तरीके से ये लिखो कि ये प्रोडक्ट क्या है, किससे बना है, और इसका मूल प्राइस आपका क्या है, ये लिख के आपको फोटो डालकर और अपने फेसबुक पे आप पोस्ट कर सकते हो। उससे फायदा क्या होगा कि जो जो लोग, जैसे आपने कहा कि भाई हम तो फेसबुक पेज की बजाय अकाउंट बना रखा है, तो हम फेसबुक पेज के बजाय अकाउंट कैसे बनाएं, तो वो भी सर ने जो कहा अगली एक ट्रेनिंग में हम पूरा सेपरेटली अलग अलग टूल के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना अंतर बता रहा हूं कि फेसबुक जो आईडी हमारी है उसको लॉगिन करके उसमें एक ऑप्शन आता है क्रिएट पेज, ठीक है, उस पर क्लिक करना, फिर आप अपने एफपीओ का नाम लिख दो, ठीक है, सपोज करो आप अपने एफपीओ के नाम से ही फेसबुक अकाउंट चाह रहे हो तो वहां अपना एफपीओ का नाम लिख दो, जिससे लोग सर्च करेंगे तो आपका कीवर्ड बन गया। दूसरी चीज, जब आप कहीं भी सोशल मीडिया पे या कोई भी चीज पोस्ट कर रहे हो तो वो
कीवर्ड कैसे बनेगा, आपको दो काम करने हैं। सपोज करो फेसबुक पे आपने कोई एक ट्रेनिंग की और आपने उसको पोस्ट किया, सपोज करो यहां हम इसी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो डीडीएम सर जब इसको पोस्ट करेंगे अपनी फेसबुक आईडी से तो इनको क्या लिखना है, जस्ट पोस्ट के नीचे हैज जो टैग होता है ना, हैज के साथ लिख सकते हो एफपीओ सीकर ट्रेनिंग, एफपीओ नाबार्ड, ठीक है, या नाबार्ड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इस तरह से कुछ टैग बना के लिखना है। उससे फायदा क्या होगा, सपोज करो कोई भी व्यक्ति ये लिखता है कि भाई मुझे एफपीओ की बीओडीज की ट्रेनिंग के बारे में जानना है, तो अगर आपने वहां स्टार लगा के नहीं अपने को हैज लगा के लिखना है, उससे क्या होगा वो कीवर्ड बन गया, और उससे क्या होगा वो सर्च इंजन जो ओकोफिजन होता है ना एसओसी, उसके ऊपर वो सर्च इंजन क्या होता है, इंटरनेट पे सूचनाओं को तलाशने के लिए जो, जैसे गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो गूगल के पीछे जो उसका सर्च इंजन काम करता है, तो हमारा जो कीवर्ड है, हमारे जो शब्द हैं, वो उसमें ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। सपोज करो सीकर के कोई एक छोटे से गांव है, सामी कोई गांव है, सपोज करो ग्राम पंचायत सामी को कोई सर्च करे, तो आप अगर हर बार सामी से कोई पोस्ट कर रहे हो तो उसमें आपने लिख दिया ग्राम पंचायत सामी, हर बार आप लिख रहे हो, तो वो क्या होगा, बार बार जब लोग उसको सर्च करेंगे तो वो पहले आने लग जाएगा। कई बार आप नहीं लिखते कि आपने लिखा कि भाई सीकर में कोई टॉप शोरूम लिखना है, तो आपने उसको सर्च किया तो किसी एक का नाम पहले आता है, किसी का 15वें नंबर पे आता है, किसी का 20वें पन्ने पे भी नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने जब भी कोई पोस्ट की तो अपने नाम के साथ कीवर्ड उसने यूज नहीं किए। तो आप में से कोई भी, जैसे आपके एफपीओ का नाम बताओ एक दो लोग, जैसे सर ने बताया हाँ बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं एपी मिल्क, ठीक है, सर ने दूसरा बताया, तीसरा सर ने बताया, तो जब भी आप अपनी आईडी को यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर आप हैज लगा के अपने उस नाम को लिखो, और साथ में एक काम करना, गैप मत देना, समझ रहे हो, अगर आपने स्पेस दे दिया तो पहला शब्द तो कीवर्ड बन गया लेकिन आगे का शब्द कीवर्ड नहीं बनेगा। अब उसको कीवर्ड कैसे बनाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज करो दो शब्द हैं, जैसे सर ने कहा नव और जागृति, तो आपने एन बड़ा किया, नव लिखा, फिर जागृति का जे बड़ा कर दिया, इससे वो शब्द पूरा एक साथ एक वर्ड बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, जब भी कोई उस नाम को नेट पे सर्च करेगा तो वो फर्स्ट में आने लग जाएगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी जो रणनीति होती है वो यही होती है, जो यूट्यूबर्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम को जो लोग बिजनेस के रूप में काम में ले रहे हैं, उनका सबसे बड़ा लॉजिक होता है कीवर्ड्स। वो टॉप सर्च करते हैं, नेट पे लिखते हैं टॉप कीवर्ड्स, तो उसमें दिख जाता है कि भाई नेट पे कौन कौन सी चीजें टॉप सर्च इंजन पे चल रही हैं, तो वो क्या करते हैं उसके कीवर्ड्स को उठा के अपनी पोस्ट में डालने लगते हैं। उससे क्या होगा, जब भी कोई व्यक्ति उस नाम को लिखेगा तो आपका नाम क्या आने लग जाएगा, ऊपर की ओर आने लग जाएगा। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो कहां से काम में लेते हैं, अपन सोशल मीडिया के थ्रू यूज लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो अपना बाकी ई कॉमर्स का अपन अगला प्लेटफॉर्म आगे बताएंगे आपको। देखो मैंने एसईओ बताया आपको, अभी जो पहला पार्ट बताया था मैंने कि जो सर्च इंजन जो होता है इसको अपन एसईओ कैसे बनाए, उसका तरीका सिंपल सा है कि आपको हैज लगा के उसको कीवर्ड में डाइवर्ट करना है, ये बता रखा है। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि इसके कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिनको हम ई मार्केटिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए दूसरा यहां पर है सोशल मीडिया, जो मैंने आपको बताया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम, ठीक है ना, आप अपना उसमें अकाउंट बना के रील्स वगैरह क्रिएट करके शेयर कर सकते हो। इसके अलावा देखो ईमेल मार्केटिंग, आजकल क्या है हर स्मार्टफोन में ईमेल को एक्सेस किया जा रहा है। आप लोग ये कहोगे कि हमें ईमेल का डेटाबेस कैसे मिले, आपको कैसे फेसबुक का डेटाबेस मिले, तो देखो फेसबुक में एक सर्विस और होती है, एफपीओ के लिए सर्विस दे रहे हैं, लोगों तक हमारी रिच को पहुंचा रहे हैं, तो वो किया हुआ काम है उसकी सार्थकता भी बढ़िया तरीके से आप लोगों तक दिखे, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था लास्ट टाइम, सपोज करो फेसबुक एक ऐसा फीचर भी देता है कि आप कोई बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जैसे आप कोई एफपीओ का एक मार्केटिंग इवेंट कर रहे हैं, कोई स्टॉल्स लगा रहे हैं, और आप चाहते हो कि पूरे सीकर के लोग वहां आए, हम सिर्फ सीकर के लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो फेसबुक में क्या होता है एक ऑप्शन आता है पे सर्विस लेना पड़ता है, उसके लिए मिनिमम मान के चलो 2-2.5 हजार रुपए का आपका खर्च आएगा, और आपको अपने उस इवेंट को मतलब कि पे पोस्ट करना है। ठीक है, वो चार्ज लेगा आपसे और वो पूछेगा कि आप कितने एरिया के लोगों को ये नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हो, आपने सेलेक्ट कर दिया अजमेर,
तो पूरे अजमेर रीजन के जितने भी लोग होंगे ना जो फेसबुक वगैरह चलाते हैं, तो फेसबुक क्या करता है अपना जो मेटा वर्जन जो उसका यूज कर रहा है वो उसमें जो एआई के माध्यम से वो पूरा मैसेज उन लोगों तक पहुंचा देता है। आपने चूज किया भाई मुझे 5 लाख लोगों तक पहुंचाना है, आपने कहा 10 लाख लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके हिसाब से वो पैसा लेगा। ठीक है, ये पे सर्विस है लेकिन बेनिफिट है भाई। आपके यहां सीकर में कोई कार्यक्रम हो रहा है और सीकर के लोगों को नहीं पता, तो फिर वहां फुटप्रिंट लोगों का नहीं बढ़ेगा। लोगों को वहां बुलाने का तरीका, कई बार जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे सर अभी टैफे से आए हुए हैं, ये इनका जो बड़े इवेंट्स होते हैं या फिर कोई क्रिकेट वगैरह जो मैच वगैरह होते हैं, तो उसमें इसी तरह का पार्ट यूज किया जाता है। जब भी आप फेसबुक को खोलोगे तो आपको वही दिखेगा। अगर किसी ने इस तरह का एड फेसबुक से खरीद लिया और उसने कहा कि सीकर, अगर मैं यहां आ गया, अब मैं सीकर की लोकेशन में हूं तो मुझे भी दिखेगा। अगर मैं सीकर की लोकेशन से बाहर हूं और किसी ने वो नोटिफिकेशन नहीं लगा रखा, तो फिर वो मुझे वहां नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो सोशल मीडिया ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग मतलब मैंने कहा कि जितने भी आप लोग हो आप अपना एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के अपनी मेल आईडी आपस में शेयर करो, उससे क्या होगा कि भविष्य में जब आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो तो इजी वे में वो आपके पास हो सकता है। अगला देखो, यहां है YouTube चैनल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। YouTube चैनल के लिए क्या कर सकते हैं देखो, जस्ट उसका भी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। पहले अपन इसको सेशन को पूरा कर लेते हैं, फिर देखो यहां पर मैंने बताया आर्टिफिशियल एफिलिएटेड मार्केटिंग। ठीक है, इससे पहले मैंने कहा YouTube चैनल, YouTube चैनल आप अपने एफपीओ के नाम से बनाओ। देखो नाम का फायदा क्या है कि कोई भी व्यक्ति फेसबुक पे सर्च करे तो फेसबुक पे दिखो, ट्विटर पे सर्च करे तो ट्विटर पे दिखो, अगर वो यूट्यूब पे जाए तो आपका नाम यूट्यूब पे भी दिखे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपने सपोज करो ये ट्रेनिंग आयोजित की, या फिर आपने अपने एफपीओज के साथ में कोई प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया और वहां पर कोई ट्रेनिंग आपने आयोजित की, आपने उसको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड कर दिया, उससे क्या हुआ उसकी पूरी रेसिपी आपको पता चल गई और वो पूरा का पूरा सेशन आपके पास क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। तो यूट्यूब से हमें ये फायदा है। तो ये तो था पार्ट अपना कि डिजिटल मार्केटिंग को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको यहां गूगल पे लेके आना चाह रहा था यहां, अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे देखो मैंने यहां सर्च किया एक सेक्शन GAONVANI, देखो ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है। अब इसमें आपने सर्च किया, सिर्फ एक कीवर्ड डाला और सर्च करते ही वो पूरा सबसे ऊपर क्यों आया, क्योंकि इसके नाम से हमने इसको कीवर्ड्स में बार बार यूटिलाइज किया है। तो देखो फर्स्ट में इससे संबंधित चीजें आपको ऑटोमेटिकली ऊपर दिखती चली जाएंगी। अब आपने क्या किया, यहां क्लिक किया, देखो ये इसका वेबसाइट भी है और ये यहां इसका क्या दे रखा है, यूट्यूब चैनल का नाम दे रखा है। तो आपने जस्ट यहां क्लिक किया, देखो अब एक जगह से हम कहां जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा यहां पर क्या दिख जाएगा, उसका YouTube का चैनल यहां पर पूरा दिख जाएगा आपका। जो महिलाएं जो वर्क कर रही हैं उसका पूरा सेगमेंट आप लोगों को यहां दिखेगा, विजन आ गया इसका। अब आप चाहते हो कि इस चैनल पे जाना, तो देखो ये जो लिंक बना हुआ है मैंने यहां क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही मैं इसके ऊपर पहुंच जाऊंगा। देखो यहां YouTube पे आ गए, यहां पर आ गया, मैं इस चैनल पे क्लिक कर रहा हूं यहां, जस्ट क्लिक करते ही अब ये इसका मेन पेज ओपन होगा। ये जो YouTube का एग्जाम्पल है, YouTube में आप जो बहुत सारी बहनें महिलाएं यहां बैठी हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से यहां से अर्निंग कर सकते हो। कई SHG की महिलाएं जो हमसे जुड़ी हुई है वो खुद का YouTube चैनल चला रही हैं। स्टार्टिंग में 4-5 हजार रुपए आना चालू हुआ और अब कई 20-30 हजार रुपए तक का भी उनका अर्निंग होना स्टार्ट हुआ है। करती क्या है, देसी खाना जो हम घर में बनाते हैं वो चीजें बना के रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हैं। गांव में जो हमारा पहनावा है, गांव की जो गीत हुए, गांव की जो परंपराएं हुई, बस एक सेगमेंट के थ्रू वो लोग चल रहे हैं। अब देखो मैं आगे बढ़ाता हूं इसमें आपको कि जो वर्किंग है, सपोज करो जैसे ये एक LEDP की ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग कहां पर आयोजित हुई, ये अजमेर में आयोजित हुई, ये एड्स वगैरह आने लग जाते हैं अगर आपका चैनल मोनोटाइज हो जाता है तो। अब देखो मैंने इसको यहां टैग लिखा हुआ था LEDP नाबार्ड अजमेर टेलरिंग रेडीमेड गारमेंट सक्सेस स्टोरी, ये महिला की ये सक्सेस स्टोरी है। आप लोग अपने FPO में जो काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी फार्मर ने बढ़िया तरीके से, प्रोग्रेसिव फार्मर था और उसने अच्छा काम किया,
तो आप क्या कर सकते हो, उसकी इस तरीके से स्टोरी बना के यहां पर क्या कर दो, अपलोड कर दो। बेनिफिट क्या हुआ, कल को आपसे कोई भी विभाग से व्यक्ति मांगे कि भाई आपके एफपीओ का कोई काम आप लोगों को बताना है, तो आप आसानी से यहां बता सकते हो। इसी प्रकार देखो और भी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, इसी में अलग अलग तरह का कल्चर, अलग अलग तरह की चीजें, ये थोड़ा रील्स के रूप में बने हुए हैं और इसमें काफी सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज को यहां पे दिखाया हुआ है। अभी नाबार्ड का जो, जैसे ये देखो बाजरे की जो कुकीज बनती है, जैसे ये बाजरे के कुरकुरे बनाने का प्रक्रिया है, अब ये समझाएगा पूरा। तो इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखे, अब आपने किसी ने अंग्रेजी नहीं जानता और उसने लिखा बाजरे के कुरकुरे, तो ये हिंदी लिखा हुआ है ना, तो सर्च इंजन क्या करेगा, उस हिंदी के हिसाब से आपको यहीं लेके जाएगा। तो इसमें पूरा तरीका रेसिपी ये बताएंगे कि कैसे कैसे किन किन रेसिपी को कितना कितना मिलाना है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा बनेगा। समझ में आई बात। तो YouTube कैसे काम में ले सकते हो, YouTube का अकाउंट आपने एक बार क्रिएट कर लिया, उसमें वीडियो को अपलोड करना, जब आपकी अगली ट्रेनिंग होगी तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आपको उसमें इस सेगमेंट को यूटिलाइज करना है, ये पूरा प्रोसेस बताएंगे। कोई अगर नहीं जानता तो ये इस वीडियो को देखकर और उसकी प्रक्रिया को समझ के आसानी से घर बैठे ही बना सकता है। तो ये तरीका हुआ किसका, हमारा, YouTube के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के वीडियो बना के लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो इससे दो बेनिफिट हुए, एक तो अगर हमें नाबार्ड की पीआईएमसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो भी यहां से दिख जाएंगे। अगर हमें किसी दूसरी महिला ने कहा कि सर मैं भूल गई ये कैसे बने, तो हमने उसको कह दिया भाई वहां जाके इस लिंक से पढ़ लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मेरा सेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आप लोगों को डिजिटल तरीके से अपनी इन चीजों को समझना है। अब देखो अगला जो है, अब बात आती है अगली, इसमें सेगमेंट में आती है वेबसाइट। भाई आपका एफपीओ 1-2 करोड़ के टर्नओवर पे आने लग गया, अब आप उसके बाद में क्या करो, पहले दिन वेबसाइट मत बनाओ, क्योंकि वेबसाइट को अगर ई कॉमर्स से आपको प्लेटफॉर्म बनाना है तो 50-60 हजार रुपए मिनिमम लगेंगे। और पहले दिन आपने क्या किया, 50 हजार का इन्वेस्टमेंट कर दिया, नया एफपीओ बना है, तो आपको बिना बात आपके ऊपर लाइबिलिटी जाके खड़ी हो जाएगी। इससे बढ़िया है छोटे लेवल पे पहले धीरे धीरे आप जो फ्री के जो प्लेटफॉर्म है उनको काम में लो, और जब आपकी सर्विस अच्छे से चलने लग जाए तब आपको क्या बनानी है, वेबसाइट बनवानी है। तो देखो मैं यहां पर एक वेबसाइट ओपन करता हूं हमारी, देखो मैंने यहां लिखा गांव की हाट करके, तो देखो सबसे ऊपर ये वेबसाइट का लिंक ओपन होगा। ये भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जस्ट आप इस तरीके से यहां जाके आप, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, स्टार्टिंग अगर आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर अपने प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करना है तो मिनिमम आपके 30-50 हजार रुपए का खर्चा आपका आएगा। उसमें आपको प्रोडक्ट की फोटोग्राफी भी करवानी है, आपको उसका वेबसाइट का डोमेन भी लेना है, फिर आपको उसको जो क्लाउड सर्वर के ऊपर स्पेस भी आपको खरीदना पड़ेगा, ये सब चीजें मिलाकर। अब देखो इसमें प्रोडक्ट को नीचे दिखाया हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट को यहां बनाया हुआ है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपको खरीदना हो, ठीक है, जैसे हमें यहां से ये काउडंग के दिए हैं, दीपक है, लक्ष्मी गणेश है, ये अलग अलग तरह की चीजें बनी हुई है, मैंने इसी को टिक किया। अब देखो ये टिक करते ही ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। यहां पर देखो व्यू कार्ट, जैसे अपन वहां पर देखते हैं सेम उसी तरीके से देखो ये आ गया, और आपको यहां अपना ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको ये वही जैसे अमेजन पूछता है ना, सेम वो सारी डिटेल पूछेगा कि किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट का जो एड्रेस जहां मंगवाना चाह रहे हो, और जैसे ऑर्डर प्लेस करोगे पूछेगा कि भाई आप ऑर्डर रिसीव होने के बाद पैसा देना चाह रहे हो या अभी आप पेमेंट करना चाह रहे हो, तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो या फिर आप उसी समय भी पेमेंट पे कर सकते हो। तो पेमेंट पे के लिए पेमेंट गेटवे लगाना पड़ता है, उसके बाद में वो पैसा आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो देखिए सबसे जरूरी है कि आज के समय में अगर आप अपनी रिच को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो तो हमें अपने डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके और काम में लेना है।